हे व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है इस्माइल सिद्दीकी, आप देख रहे हो निस्टेक। आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं फिर से एक पीसी बिल्ड जो कि हमारा बजट है 49,000 रुपीस। इसमें आपको मिल जाएगा मॉनिटर भी, सीपीयू भी, कीबोर्ड और माउस पूरा कॉम्बो एक साथ। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है और आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार मेरे चैनल को चेक कर लेना। अगर वीडियोस पसंद आए तो मेरे वो वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे फिलहाल सब्सक्राइबर्स है 156 और नेक्स्ट टारगेट रखते हैं हम 160 सब्सक्राइबर्स का। 160 सब्सक्राइबर्स ये हफ्ते में अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो अब हम आते हैं हमारी टॉपिक पे, उससे पहले हम रोल करेंगे अपना इंट्रो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीपीयू से। पहले हम सीपीयू बिल्ड कर लेंगे। अब सीपीयू के वास्ते हम लेने वाले हैं एक प्रोसेसर जो होगा, प्रोसेसर हम लेने वाले हैं राइजन 5 2400G, जिसकी जो वेगा 11 ग्राफिक्स के साथ आता है, जो आपको इसके वास्ते अलग से ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत से अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं आपको। मैं इसकी डिटेल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिए इसकी डिटेल्स। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड हम लेने वाले हैं गीगाबाइट का A320M, जो कि आपको पड़ेगा 4,100 रुपये तक आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा, और ऑफलाइन मार्केट में आपको 3,900 रुपये में तक भी मिल जाएगा। मैंने राइजन 5 की प्राइस नहीं बोली थी, राइजन 5 मिलेगा आपको 13,000 फिल वक्त की ऑनलाइन प्राइस है, और मदरबोर्ड की 4,100 रुपये ऑनलाइन प्राइस है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। और हाँ, मदरबोर्ड पे आप गीगाबाइट के मदरबोर्ड पे आप आराम से ओवरक्लॉकिंग भी कर ले सकते हैं, जो कि MSI का मदरबोर्ड जो था, जो कि सबसे चीप मिलता है A320M, आपको मार्केट में 3,600 या 800 रुपये में कुछ मिलता है, जो कि इस पे आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। गीगाबाइट के इस मदरबोर्ड पे आप ओवरक्लॉकिंग आराम से कर ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस गीगाबाइट के मदरबोर्ड के, A320M S2H, ये वाला मदरबोर्ड है हमारा। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट के ऊपर, जो कि होगा हमारी रैम। रैम रहने वाले हम कॉर्सर की वेनगेंस 8GB DDR4 रैम 3000 MHz की। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उसकी प्राइस आपको पड़ेगी लगभग 4,100 या 3,900 रुपये तक आपको आराम से पड़ जाएगी। अगर आपको थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप दो स्लॉट्स के साथ जा सकते हैं, 8GB की 16GB रैम हो जाएगी, मगर हम जाने वाले 3,000 MHz की 8GB रैम के साथ, जो कि आपको पड़ेगी 3,900 रुपये में। सो सब चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर। राइजन 5 तो नहीं है, राइजन 3 है, राइजन 5 समझ लेना इसे, और US 450, और ये तो हम कर रहे थे बात हमारे DDR4 3000 MHz की Corsair Vengeance LPX RAM, जो कि आपको 3,900 रुपये में आराम से मार्केट में मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पावर सप्लाई के ऊपर। पावर सप्लाई बेशक हम US 450 लेंगे, बेस्ट है मार्केट में, 2,300 रुपये में फिल्म मेरा है, मुझे ज़्यादा महंगा पड़ गया था, 2,600 में लिया हूँ मैं, हालांकि यही महीने में बिल्ड था, 2,300 फिल वक्त इसकी प्राइस है। तो ये 80+ रेटिंग से आता है, 3 साल की वारंटी है साथ में इस पर, 450 वाट का। और यही वाला लेना अगर आप कम बजट पे हैं, उससे ज़्यादा कम जाएंगे तो बेकार है, आपका मदरबोर्ड उड़ सकता है। सो अब हो गया हमारा रैम ये। अब आते हैं हमारी स्टोरेज के ऊपर। हम स्टोरेज लेने वाले हैं 1TB की Seagate Barracuda, जो कि आपको पड़ेगी 3,100 रुपये में मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में 2,900 भी पड़ सकती है। तो ये वाले लेना 1TB की Seagate Barracuda, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और बस यही थी स्टोरेज। अब स्टोरेज वाले सब हो गया, हम PC बिल्ड कर ले सकते हैं आराम से, मगर इसे और थोड़ी अच्छी स्पीड देना है हमें, एप्लीकेशन जल्दी लोड करने का है। तो उसके बाद से हम करेंगे एक SSD बाई साथ में। तो SSD लेने वाले हम WD की ग्रीन SSD, जो कि 120GB की है, आपको 1,800 रुपये तक में आराम से ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी। ऑफलाइन मार्केट तो पता नहीं, ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा उसे ख़रीदा नहीं हूँ। WD के ग्रीन 120GB के SSD आपको मिल जाएगी। अब हम केस लेने वाले, केस हम एकदम ज़बरदस्त वाला लेने हैं, 8GB वाला केस, जो कि जॉन्सबो का U4 या U5 है, यहाँ पर आ जाएगा आपको, जॉन्सबो U4 है। तो 5,000 रुपये या 5,500 रुपये इसकी प्राइस है फिल वक्त ऑनलाइन मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट में एक बार फिर भी आप सर्च कर लेना, मैं जितने भी कॉम्पोनेंट बताऊँ आप एक बार जाकर पूरे ऑफलाइन मार्केट में पूरी छानबीन कर लेना। अगर आप हैदराबाद से हैं तो मैं आपको एक अच्छी जगह बता देता हूँ, CTC मार्केट है, नीचे कमेंट में आपको बता देता हूँ, जाकर आप वहाँ पर से
खरीद सकते हैं। चीज़ें एड्रेस दे देता हूँ, CTC मार्केट सिकंदराबाद में है, आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं इफ़ आप हैदराबाद या तेलंगाना के हैं तो। और दूसरी बात करते हैं, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में आप नेहरू प्लेस बेस्ट जगह है, वहीं से आप बाय करिए, CTC से भी ज़्यादा कम प्राइसेस नेहरू प्लेस में मिलते हैं आपको। तो अब हमारी चीज़ें सब हो चुकी हैं, एक CPU बिल्ड हो चुका है। अब बात है मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर लेने वाले हैं LG का मॉनिटर, LG 22 MP 6 RV Q 22 इंच का मॉनिटर है ये। आपको रिजोल्यूशन मेरे, मैं इसे ख़रीदा नहीं हूँ, इन्फॉर्मेशन अभी ज़्यादा निकाला नहीं हूँ। तो ये फुल HD मॉनिटर है, 4K को सपोर्ट नहीं करता है, ये कहना था। इसकी प्राइस आप फिलहाल ऑनलाइन मार्केट अमेजोन पर आप चेक कर लें तो आपको ये मिल जाएगा लगभग 9000 रुपये, एग्जैक्ट 9000 रुपये में अमेजोन पे है। LG की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बाई करने को दे रहा है, बहुत महंगा दे रहा है, 12000 रुपये में LG की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है। अमेजोन पे एक बार चेक कर लेना, अगर अमेजोन नहीं तो ऑफलाइन मार्केट में चेक कर लेना, उस पर भी कम प्राइस मिलती है आराम से। अब आते हैं हमारे लास्ट कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस हमें कॉम्बो लेने वाले हैं, जो कि गेमिंग कीबोर्ड है, माउस भी गेमिंग है, मगर मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं, आपको ज़ेब्रोनिक्स का, जो ये ज़ेब्रोनिक्स का है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर है, ये कॉम्बो का नाम ट्रांसफॉर्मर रखा है उन्होंने। कीबोर्ड आपको गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं मिलता है, मगर आपके उससे बटन से वही निकाल कर आप उसे साफ करें और RGB लुक मिल जाता है, इसमें RGB लाइटिंग आपको मिल जाती है। कीबोर्ड माउस में भी RGB लाइटिंग्स मिल जाती है, गेमिंग माउस है और DPI वही सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसकी प्राइस है 1400 रुपये, लास्ट वाला जो मॉनिटर था उसके 9000 रुपये, टोटल प्राइस निकल के आती है 4900 रुपये, सॉरी 49,000 रुपीज़ टोटल प्राइस निकल कर आती है। आपको इससे ज़्यादा कम पैसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बढ़कर हो रहे हैं तो एक बार फिर से एक मार्केट में ट्राई करिए आप। और उसके बाद बाकी का जो CPU को वायरिंग का पार्ट है, आप किसी को एक्सपर्ट को बुला के आप उसे एक्स्ट्रा पैसे दे के आप उससे करा ले सकते हैं पूरा बिल्ड, नहीं तो अगर आप प्रो हैं इसमें तो आप ही कर लीजिए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर से 156, टारगेट लगते हैं 160, इस हफ्ते में अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ, मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड पीस एंड सलाम, बाय बाय।